अमृतसर के जौड़ा रेलवे फाटक से हुए हादसे के 2 साल पूरे होने पर पीड़ित परिवारों के श्रोमणी अकाली दल वालों अमृतसर विखे कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस मौके पीड़ित परिवारों के मैंबरों ने दसिया कि हादसे को 2 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु इस हादसे को लैके सरकार ने जो वादा उन्होंने किया अजे तक पूरा नहीं किया गया। सरकार ने उन्होंने नौकरियां देने की गल की थी जो अज तक उन्होंने नहीं मिल सकियां ते ना ही किसी दोषी नूं सज़ा मिली है। इस मौके अकाली आगू गुरप्रताप सिंह टिक्का ने कहा कि जब तक रेल हादसे के दोषियों नूं सज़ा नहीं मिलती वो इसे तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। दीपक कुमार देखो तुहानू पता है 2 साल पहले जिहड़ा दशहरा होया सी उहदे कि मतलब कि जिहड़े लोग मर गए सीगे, ठीक है, असी अज 2 साल पूरे हो गए ने उन्हां वास्ते अज आपां कैंडल मार्च कीता, ठीक है, उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते। तो नाल उहदे नाल दी नाल अहीं इह वी है कि सरकार ने सानू बहुत सारे वादे कीते सी, हर वारी आपां धरना लाया सानू झूठ बोल के उठा दिता गया। सो सानू जे पिछे जे पता लगा कि भी साडी जिहड़ी 34 फाइलां ने नौकरी दियां उह चंडीगढ़ इहनां ने सीएम हाउस च भेजतियां ने। सो अज असी सारे परिवार इकट्ठे होकर सरकार नूं अज एक अल्टीमेटम देना चाहते सी कि जे साडियां 34 फाइलां सीएम हाउस च गई ने तो यह 24 तक साडा काम जल्दी तो जल्दी नौकरी वाला कर दिता जाए, जे नहीं करनगे तो मजबूरन इस बार सारे परिवार इकट्ठे होकर तो दशहरे वाले दिन लोग भावें त्यौहार मनाएंगे लेकिन असी उत्थे भंडारी पुल से बैठ के सारे ने मातम मनाना। देखो कारपोरेशन ने भी उदो सानू नौकरी तो किया से सानू कारपोरेशन का भी नहीं पता लगा, सिद्धू साहब का तो दुनिया ने भी नहीं पता कितने है ने, असं तो आप भुल गए कि सिद्धू कोई हुंदा सीगा इस दुनिया के, ठीक है, सानू आप नहीं पता। उन्होंने सानू कहा कि आप बच्चे गोद लै रहे हैं स्टार्टिंग के जरूर, इन्होंने साडे आए ने प्रेस मीटिंग कीतियां ने नौकरी दे रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन जदों का इन्हों क्लीन चिट मिल गई है जां ये अपने सारे साइड से हो गए ने। सो असी अज मेन साडा मकसद यही सगा कि अं सरकार अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर 24 तक साडा काम नहीं हुंदा ते असी भंडारी पुल जाम कर रहे हैं। देखो वो गाना सानू आप नहीं पता किन्ने बनाया सीगा, लेकिन मैं एक गल सारे नूं क्लीयर दस देना चाहना कि जिहड़ा साडा जिहड़ा केस हैगा ना इहदे विच बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है, तो इहदे विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा पहली सपोर्ट हुई है जिहनूं मैं हाथ जोड़ के जिन्हां दा आपां बहुत ज़्यादा थैंक्स करदे हां वो एक एक मीडिया हैगी है कि असी कोई भी धरना लाया जो जे साडा बचा कीता ते अज आपां इस जगह पर पहुंचे हैं जो साड़ी फाइलें चंडीगढ़ गई ने तो उस एको बंदे का हाथ है, पोलीटल बंद आते हैं जाते हैं साढ़े नाल बोझने, ठीक है, लेकिन जो एक मीडिया का रोल है ना साढ़े नाल बड़ा पॉजिटिव रोल रहा तो असी तो शुरू तो हाथ जोड़ के इन्हों का थैंक्स करते मीडिया का कि इन्होंने साड़ा बहुत ज़्यादा साथ दिता। देखो मैं कह वीडियो मैं किसी ने भेजी सी वो वीडियो मैं बस अपलोड की है, जे वो कोई इदा की गल की गई है तो मैं वो वीर तो मैं दोवों जानता नहीं कौन है, लेकिन फिर भी मैं वो दोवें वीर वालों पूरी मीडिया को माफ़ी मंगदा तो हाथ जोड़ के बेनती करना कि भी जिदा तुम सा शुरू तो साथ दिता तो साढ़ा अगे भी साथ दो ताड़ी ही बदौलत असी इंसाफ तक जा सकते नहीं तो सानू इंसाफ नहीं मिलना। 25 तरीक में आप बस उ तुम दसिया कि अभी जोड़ा फाटक जा उ जो अपना भंडारी पुल है उत्थे जाके आप जाके जाम लावे तो सरकार को अगे तो आप पीसफुली सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन एरकी जरा कहीं सरकार की भी नहीं सुननी, एरकी जो तक साड़ी नहीं मनी जाएगी उदों तक असं उतो उठना नहीं। अज कैंडल मार्च जिहड़ा कढ़िया गया ये रेलवे हादसा का होया सी 2 साल पहले जिदे च तकरीबन 60 दे करीब कीमती जाना बच्चियां दियां बजुर्गों दियां नौजवानों दियां चले गईयां सी ते काफ़ी वड्डी तादाद च जिहड़े आ फट्टड़ हो गए जिन्हां दे हैंडीकैप हो गए सी उदों इन्हां नूं पंजाब सरकार वालों ते खास तौर पर नवजोत सिद्धू वालों हौसला दिता गया है भी मैं कल्ले कल्ले परिवार दे विच एक नौकरी देवांगा इन्हां दा पालन पोषण करांगा बच्चियां नूं जिहड़ा सीगा इन्हां दी एजुकेशन मैं करांगा अडोप्ट करांगा, इह फैमिली अडोप्टिड फैमिली सी गिया अडोप्टिड होंदा भी इन्हां दी जिम्मेवारी मेरी उदों तो इन्हां लोकां नूं लगा भी चलो कितना कितें MLA आ जी मंत्री आ ये चलो जिहड़े जाण वाले ते लगे एक बड़ा वड्डा हौसला हुंदा क्योंकि जदों दुख जिहड़ा वंडाया जदों घट जांदा वा पर अज ये बेचारे उही लोग ने जिहड़े उहदी कोठी जांदे ने ते गेट नहीं खोलदे पानी नहीं पिउंदे 10-10 वारी इन्हां नूं गेड़े मारने पैंदे आ कदी उच्चे पुल ते बैठे मंगां वास्ते। तुसीं मीडिया वाले भरावां ने बहुत इन्हां दी हक सच दी लड़ाई लड़दे इन्हां दी गल उपर पहुँचाउण दी कोशिश कीती पर वो गूंगी बोली काली जिहड़ी सरकार कांग्रेस दी जिहड़ी झूठ दे पलंदियां ते बणी सी जिहड़ी घर घर नौकरी दी गल करदी सी 60 बंदियां नूं जिन्हां दी लोड़वंद उहनां नूं तां नौकरी नहीं दित्ती कि लखां लोकां नूं कित्थे नौकरी दे दूं। अज जिहड़ा अकाली दल वल्लों ये सारे परिवार जिहड़े आए सी फिर साडे कोलों चाहे वह असी शमशेर शेरा सी रंधावा जी असी सारे जिन्हें भी श्रोमणी अकाली जत्थे दे सारे अहुदेदार वीर ने सो
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਹੱਥੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, 1.25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲਾਫਟਰ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹੀ।